हेलो दोस्तों, मैं आपको आज बताऊंगा कि हम पासपोर्ट साइज फोटो या फिर कोई सी भी फोटो हम उसको रिसाइज कैसे करें। दोस्तों, हमको जरूरत पड़ती है कभी कि एसएससी का फॉर्म फिल कर रहे हैं या कोई भी ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हैं या फिर किसी को सेंड कर रहे हैं, तो हमको रिक्वायरमेंट होती है कि हम उसको मिनिमम साइज में भेजें, कम से कम साइज में। ठीक है दोस्तों, तो इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज कुमार है और आप देख रहे हैं टेक्स्टार 90। दोस्तों, जैसे कि आपको पता होगा कि आप कोई ऑनलाइन फॉर्म फिल करते हैं, लाइक एसएससी, एमटीएस या फिर रेलवे कोई फॉर्म ऑनलाइन, या कहीं कोई अप्लाई करते हैं कहीं फॉर्म में, उसमें फ़ोटो और सिग्नेचर मांगता है साइज के हिसाब से। कोई मांगता है 10 के भी, कोई मांगता है 20 के भी, कोई मांगता है 50 के भी, तो कोई मांगता है 100 के भी। तो दोस्तों, उसके बारे में आज हम आपको बताएंगे कि हम कैसे करें बिना किसी सॉफ्टवेयर के, ये हमारे कंप्यूटर से आसानी से हो जाता है। तो सबसे पहले आप दोस्तों, जैसे कि मैंने एक ये फोटो ली आपके सामने, ये देखिए ये फोटो है, हम इसको इसकी तो इसकी हम साइज को मेंटेन करेंगे, इसे हम रिसाइज करेंगे। ठीक है दोस्तों, ये पासपोर्ट साइज फोटो है जो कि मैंने दोस्तों आपके लिए निकाली है ताकि आप अच्छी तरह समझ सकें। दोस्तों, जैसे कि ये मान लीजिए इसकी प्रॉपर्टी हम चेक करते हैं, तो इसकी प्रॉपर्टी आती है 40 के बी। देखिए दोस्तों, जैसे कि हमारा एसएससी फॉर्म फॉल फिल सॉरी एसएससी में फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें 5 के बी से लेके 20 के बी तक मांगता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा या फिर कहीं भी आपने अप्लाई किया होगा तो वहाँ पर कुछ के बी मांगता है, मिनिमम के बी के बारे में आप जान सकते हैं। तो हम इसको कैसे रिसाइज करें, ठीक है दोस्तों। तो देखिए, सबसे पहले हम इसको इस पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, मैं कोई सॉफ्टवेयर की ज़रूरत नहीं है, आप इसमें देख सकते हैं मैं कोई सॉफ्टवेयर यूज़ नहीं कर रहा। हम यहाँ पर आ गए, ठीक है। यहाँ पर हमें माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जो हमारा विंडो है, विंडो में हर विंडो में होता है ये, इसको कहीं से हमें डाउनलोड करने की जरूरत नहीं होती, ऑफिस सबके विंडो में होता ही है, चाहे वो ऑफिस 2003 हो या 2005 हो या 2007 हो या जो भी हो या 2010 हो। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको राइट क्लिक करके नीचे आएंगे ओपन विद। ठीक है दोस्तों, ये आपके सामने इतने ऑप्शन हैं, आपको जो भी करना है इस पे कर सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, आपका विंडोज 7 है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2007 आएगा, 7 आएगा। ठीक है दोस्तों, आपका जो भी विंडो हो वो अपने आप ही आ जाएगा, तो हम इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों देखिए, ये फोटो खुल गई है। तो यहाँ पर आप कहीं कुछ नहीं करेंगे, ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर आप कहीं कुछ नहीं करना, ठीक है। यहाँ पर आएंगे हम एडिट पिक्चर, ठीक है। एडिट पिक्चर करने के बाद देखिए दोस्तों, आपको जो भी करना है, कलर मेंटेन कर सकते हैं, क्रॉप कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, मतलब इधर से उधर घुमा सकते हैं, तो हमें घुमाने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हम इसको रिसाइज करेंगे, तो रिसाइज पे क्लिक करेंगे। दोस्तों, हमारा 40 के भी था तो हिसाब से हम करेंगे, मान लीजिए हमको चाहिए 20 के भी, कम से कम 20 के भी मतलब रहनी चाहिए एसएससी के लिए, खासकर 5 के बी से 20 के बी तक रहता है। तो दोस्तों, हम इसको करेंगे 120, ओनली 120, ठीक है दोस्तों, 120। दोस्तों, के बाद यहाँ पर हम आके इसको ओके कर देंगे। ये देखिए दोस्तों, साइज छोटा हो गया। इसके बाद दोस्तों, हम इसको सेव करेंगे, यहाँ पर सेव कर लेते हैं, सेव कर लिया हमने। अब देखिए दोस्तों, अब इसका देखते हैं प्रॉपर्टीज। ये देखिए दोस्तों, 16 के बी, रही बात आपकी क्लैरिटी की, ये देखिए दोस्तों,
फोटो आपकी खराब नहीं है, फोटो आपकी जैसी थी वैसी ही रहेगी, बस इसका रिसाइज हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद अगर हमको बड़ी करनी है, मान लीजिए हमारी ये इतने के बी के है, हमको इससे ज़्यादा चाहिए, तो दोस्तों हम उसके लिए यही उपाय करेंगे, राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद वही हम ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद हमें वहीं जाएंगे। मान लीजिए बड़ी पिक्चर है आपके सामने, दिख रही है बड़ी पिक्चर, मैं एक छोटी पिक्चर आपके सामने ओपन करता हूँ जो हमने अभी ये वाली की थी। ठीक है, ये देखिए दोस्तों, मान लीजिए हमारी फ़ोटो 10 केबी की 15 केबी की है और हम इसको बड़ी करना चाहते हैं, तो दोस्तों सेम सिचुएशन है, आपको वही करना है जो आपने मिनिमाइज करने के लिए किया था, मतलब कम करने के लिए किया था स्पेस फोटो का, और हमें अब ज़्यादा करना है। दोस्तों जैसे कि आपने देखा था यहाँ पर मैंने एडिट पिक्चर्स किया था, फिर मैं वहीं से करूँगा। वहीं से करने के बाद दोस्तों मैं इसको रिसाइज करूँगा। रिसाइज करने के बाद हमारा ये 120 था, हम इसको 500 कर देंगे। ठीक है, 500 करा। देखिए दोस्तों 500 में ज़्यादा छोटी फोटो थी तो ज़्यादा बड़ी वो हो गई है, थोड़ी बहुत धुंधली होगी। ठीक है, तो हम इसको 300 कर देंगे। 300 दोस्तों चल जाएगी, कोई वो बात नहीं है, चाहे 200 कर देंगे। 200 दोस्तों इतनी खास नहीं आएगी। ठीक है, ये आपकी फ़ोटो पर डिपेंड करता है, फ़ोटो आपकी कैसी है, क्योंकि जितनी कम स्पेस की फ़ोटो है हम उसको ज़्यादा करेंगे तो ऑब्वियसली सी बात है कि वो इंक्रीज होगी, तो उसमें थोड़ी बहुत दिक्कत होगी क्लियरिटी में। ठीक है, और अगर हमारी फ़ोटो HD में है, ठीक है, मतलब MB के ऊपर है, हम उसको बड़ी करेंगे तो कोई क्लियरिटी आपकी नहीं हटेगी, वो क्लियरिटी ही रहेगी, क्लियर, एकदम आपको क्लियर दिखेगी। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों हम आपके लिए एक से नए से वीडियो लाते हैं जो आपके बहुत काम आएंगी, और आप प्लीज़ बेल की घंटी ज़रूर दबाइएगा ताकि हम अगली जो वीडियो आपके लिए बनाएं तो आपके पास नोटिस पहुंच जाए, आप उसे आराम से देख सकें बिना किसी सर्च के। ठीक है दोस्तों, तो बेल की घंटी आप ज़रूर बजाइएगा। ठीक है, नमस्कार।